अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं आपके साथ कच्चे केले की टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बनेगा फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आठ से दस यहाँ पे मैं कच्चा केला ली हूँ, उसको दो प्रेशर कुकर में सीटी लगा ली हूँ। उसके बाद इसको हाथ से अच्छे से मैश कर ली हूँ। इसमें एक कप के करीब, आधा से ज़्यादा कप के करीब लाल दाल, मसूर दाल को भिगो ली थी। उसके बाद उसको ब्लेंडर में पीस के इसमें डाल ली हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। ज़ीरा पाउडर एक टीस्पून, एक टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, एक टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है, एक टेबल चम्मच गरम मसाला और हरी मिर्च, अच्छे से धनिया पत्ता मिला लिया है और एक वाइट के साथ अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने थोड़ा देर इसको ठंडा हो अच्छे से इसको छोड़ दिया था, तो नहीं बनाया है later. अब इसमें हाथ में तेल लगा लिया है। टिकिया बना के अब इसको फ्राई कर लेंगे। आपको जैसा शेप चाहिए आप उसको फ्राई कर ले। फ्रेंड्स ये बहुत बहुत ज़बरदस्त बना था, आप बना के देखिए। मैं एक कम्प्लीट एग नहीं ली हूँ, एक वाइट ली हूँ और थोड़ा देर इसको छोड़ दी थी। आप देख रहे हैं अब इस तरीके से मैं टिकिया बना ले रही हूँ। आपको जो शेप साइज़ पसंद आप वैसा कर ले। उसके बाद मेरा एक बहुत अच्छा सा बहुत सारा टिकिया बना था, मैं फ्राई कर ले रही हूँ अब इस टिकिया को। ये रहा फ्रेंड्स मेरा फाइनल लुक और ये बहुत अच्छा लगा था। आप बनाएं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मेरी वीडियो को शेयर करें। दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।